मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह का दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। एक तरफ वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ मस्जिद में दुआ मांगते हैं। ईदगाह मस्जिद में दिग्विजय सिंह की दुआ मांगने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह मंदिर का विरोध करते हैं और ईद पर दुआ कर रहे हैं, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, अति हो गई है। भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ दुआ करते हैं, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। एक लाइन कुछ भी पकड़ लें। यादव ने कहा जिस ढंग से कल नोट पकड़ा है, डरा धमका रहे हैं, वो खुद भी डर के मारे 400-400 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब केवल बहाना बनाकर हार से बचने का रास्ता ढूंढना है। एक तरफ मंदिर का विरोध करते दुआ करते दोनों, दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। एक लाइन कुछ भी पकड़ लो, और जिस ढंग से कल नोट पकड़ाए हैं, जिस ढंग से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और डर के मारे खुद भी 400-400 उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल बहाना बना करके हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो, लेकिन जनता माफ नहीं करेगी। इस बार निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।